लोकसभा चुनाव 2019 के लिए चुनावी रण तैयार हो चुका है। देश के तमाम प्रमुख पार्टियों ने अपने योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस बार किसको मिलेगा जनता का आशीर्वाद और कौन होगा मतदाताओं के गुस्से का शिकार, इसी को लेकर जो है सो है शो में आज कड़वाहट की टीम पहुंची IPS अकेडमी, जहां युवा विद्यार्थियों की राय जानने की कोशिश की। नमस्कार, कैनन न्यूज चैनल के खास तो जो है सोहे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके सबके साथ काजल वर्मा। आज हम बात करेंगे देश के भविष्य से, देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। निजी स्कूलों में और कॉलेजों में चलती मनमानी के बारे में हमारे बीच में कुछ मौजूद है, कुछ स्टूडेंट जिनसे हम बात करेंगे। क्या कहना है आपका जो बढ़ती फीस के बारे में? बढ़ती फीस का ही कहना है, वैसे अभी तक तो सेटिस्फेक्ट्री रिजल्ट मिला है वैसे। और कॉलेज की और स्कूल की फीस देने में अगर लेट वेट हो जाते हैं हम, तो उसमें फाइन बहुत ज्यादा लग जाता। हाँ, तो उसी गवर्नमेंट से आपके क्या? गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि फाइन वाइन जो लगता है, जो कोई अगर कोई गरीब घर के लोग हैं फीस नहीं भर पाते हैं तो वो नहीं दे पाते फाइन, क्योंकि एक एक दिन का 500-500 रुपये भी बढ़ लग जाता है कभी कभार, तो उसकी दिक्कत है। तो एजुकेशन सिस्टम में उसकी दिक्कत है, तो नई सरकार से यही है, यही के बस फीस, सबसे पहले तो फीस हर जगह कम होनी चाहिए। स्कॉलरशिप में रिजर्वेशन सिस्टम हटा देना चाहिए, क्योंकि लोगों को उनकी काबिलियत पे मिलनी चाहिए स्कॉलरशिप, ना कि पुराने बेस्ड सिस्टमों पे, कास्ट पे। तो यही सब है बस कहना। अच्छा, मैं वो मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा बेस्ड है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे कम बेस्ड है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। अभी थ्योरेटिकल पे ज़्यादा है कि मतलब 70% तो थ्योरेटिकल है और बाकी 30% प्रैक्टिकल है, मगर जो एक्चुअल फील्ड में नॉलेज है वो प्रैक्टिकल चाहिए रहता है। तो अभी उस पर कुछ सरकार ने निकाली नहीं है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है थ्योरेटिकल पे ज़्यादा बेस्ड है, तो इस बारे में ज़्यादा काम करना चाहिए कि प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिया जाए। बाकी तो अभी तक तो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है। वैसे एजुकेशनल लोन अच्छी है, फैसिलिटी है कि जो बच्चे मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं फीस उनके लिए, मगर ये उनको मिलना चाहिए जो काबिलियत पे, जैसा उसने बताया कि काबिलियत पे मिलना चाहिए, जो मतलब ऐसा है कि पढ़ नहीं पा रहा है पर भी लोन भर के उसके पेरेंट्स लोन लेके उसको पढ़ा रहे हैं, तो ये तो बाद में वो भर भी नहीं पाएगा उस परसेंटेज के हिसाब से भी नहीं, फिर वही तो दिक्कत हो जाती कि थ्योरेटिकल नॉलेज बेस्ड है पर जो बच्चे की काबिलियत देख के, जो अभी तक कहीं भी नहीं हो रहा है भारत में, वो काबिलियत प्रैक्टिकल नॉलेज। तो परसेंटेज तो जो याद करके चला गया, एग्ज़ाम में लिख के आ गया सही टाइम पे, वो उसको मिल गया। अब उसको वो नॉलेज तो नहीं है, उसको याद है बुक में जो लिखा, उसको उसका नॉलेज नहीं है। हाँ 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 नहीं नहीं, एजुकेशनल लोन ऐसा नहीं है कि मतलब उसको पुरानी काबिलियत के हिसाब से देखना चाहिए ना, कि 12th तक उसने क्या करा है उस हिसाब से। एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव होने चाहिए उसके बारे में आप? एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, जैसे हम लोग कॉलेज जाते हैं, हर कॉलेज में एक पर्टिकुलर फीस कर देना चाहिए, हर बच्चा ज़्यादा फीस भर नहीं पाता है, अमाउंट फिक्स कर दे गवर्नमेंट अगर कि इतना फीस पे करना है, हर कॉलेज में अलग अलग फीस है तो बच्चे परेशान होते हैं और एडमिशन टाइम पे उनको मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट डोनेशन देना पड़ता है, तो इसके लिए कुछ गवर्नमेंट को लेना चाहिए स्टेप। फैकल्टीज़ के लिए भी, फैकल्टीज उस तरीके से आजकल जो बचे नहीं है और मेन जो बचे वो हर किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में सारे फैकल्टीज चले गए, उनको भी एक सैलरी का क्राइटेरिया के कारण फैकल्टी आ रही है, बस पढ़ाने में उतना वो नहीं हो पा रहा आजकल। आने वाली सरकार से हम चाहते हैं कि एक बच्चों के लिए वो कुछ अच्छा करें, जिससे एजुकेशन सिस्टम से उनको कुछ फ़ायदा मिले, बच्चे परेशान ना हो। एडमिशन टाइमिंग पे बच्चों को बहुत परेशानी झेलना पड़ती है, कॉलेज के राउंड्स काटना पड़ते हैं, उनको डोनेशन मनी देना पड़ता है, तो उस टाइम पेरेंट्स के ऊपर बहुत दबाव आ जाता है। कौन सी सरकार को आप सक्षम समझते हैं? मोदी सरकार, नमो अगेन। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे IPS कॉलेज में, हमारे कॉलेज में BBA की फीस है 1 लाख के समथिंग है, और वही हम
85,000 है, और वहीं हम जैसे एनएसआ वगैरह में जाते हैं तो 60,000 में हो जाता है, तो मतलब और प्रेस्टीज जाते हैं तो फिर 1.5 लाख के समथिंग होता है। तो मतलब सरकार को, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि फिक्स कर देना चाहिए, फिक्स अमाउंट कर देना चाहिए, ना होने पर हर कॉलेज मनमानी फीस वसूल करता है। जैसे इस साल है तो नेक्स्ट ईयर और बढ़ा देंगे, मतलब जैसे बढ़ाने का भी ये फिक्स रहना चाहिए कि जैसे पर्टिकुलर ईयर की 10% बढ़ाना है, 20%। ऐसा होता है कि कोई कॉलेज 60,000 ले और नेक्स्ट ईयर मतलब 1 लाख लेने लग गए, तो ऐसा वो बंद होना चाहिए सर। आने वाली सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जब आप सरकार में आए तो एजुकेशन सिस्टम में ये बदलाव लाए कि बच्चों की फीस से उनको दबाव ना बनाए, और जो लोन मिलता है बच्चों को एजुकेशन लोन, उसमें बहुत उनको परेशानी आती है, तो उसके लिए भी कुछ हल करे। और ये जो कॉलेज में लेट फीस का मामला होता है तो लेट फीस को भी थोड़ा सा कम करे, क्योंकि बच्चा लेट फीस होता है इसलिए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हो पाते उस टाइम, अदरवाइज पैसे होंगे तो भर ही देगा, और लेट फीस इतना एक्स्ट्रा लगा देते, मतलब हमारे कॉलेज में भी 30,000 फीस है और 15,000 लेट फीस हो रहा है बच्चों का, तो मतलब कैसे पॉसिबल होगा ये सब? तो गवर्नमेंट से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस पे थोड़ा स्टेप ले। नहीं नहीं, ये निवेदन नहीं रहेगा, आदेश रहेगा कि करना ही पड़ेगा, कमलनाथ सरकार को तो करना ही पड़ेगा, बाकी जो सरकार नहीं आएगी अब वो तो नहीं आएगी, बट ऐसे जैसे शिवराज सरकार इजीली मतलब कुछ भी अगर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती थी तो इजीली सॉल्व करती थी उसको, कि कुछ भी मतलब ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट धक्के नहीं खाने पड़ते थे ऑफिस टू ऑफिस जाके। अब आज कुछ भी होता है तो बोले DAV जाओ बात करने, वहाँ जाओ, तो वो कुछ थोड़ा सिंपल करना चाहिए, ईजी करना चाहिए। हाँ, हमारे देश के भविष्य का कहना यह है कि एजुकेशन सिस्टम नहीं बल्कि एक बिजनेस बन के रह गया है। तो इसी तरह देखते रहिए कैनन न्यूज का खास प्रोग्राम जो है सो है। कैमरामैन अजय के साथ मैं हूं काजल वर्मा। लोकसभा चुनाव को लेकर छात्र छात्राओं ने बेबाकी से अपनी बात रखते हुए साफ कहा कि शिक्षा को शिक्षा ही रहने दें, इसे बिजनेस नहीं बनाने दें। इसके अलावा लगातार फीस वृद्धि को लेकर भी विद्यार्थियों में खासी नाराजगी जताई। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए कड़वाहट न्यूज़।